देखिए ये हमारे कटहर के भजिए एकदम से तैयार हो गए हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव, आपका फूडी ऑन अनफील्ड, और आज हम बनाने वाले हैं एक यूनिक डिश। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूं ये कटहल की सब्जी। कटहल जिसको मराठी और गुजराती में कहते हैं फनस, मद्रासी में बोलते हैं चापा। सबसे पहले इसकी कटिंग करने का है। इसको काटें कैसे? इसको काटने के लिए हमको चाकू और हाथों पर तेल लगाना जरूरी है, नहीं तो इसका जो गम है वो हाथों पे चिपक जाता है और काटना भी बहुत भारी पड़ता है। इसके लिए हम सबसे पहले अपने हाथों में तेल लगाते हैं और चाकू पर भी हमको तेल लगाना है, ये ताकि ये चाकू पे भी चिपके नहीं। अब इसको उठा के हम काटते हैं इस तरह से। इसको काटना बहुत भारी होता है। ये हमारा 500 ग्राम कटहल है। इसके लिए तेज चाकू की जरूरत पड़ती है और ये देखते समय हमेशा देखने का कि ये पीला ना हो। अगर ये पीला होगा तो इसकी सब्जी मीठी बनेगी। इसके लिए हमको एकदम सफेद वाइट होना चाहिए ये भाग। इसको पहले हम छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं ताकि इसको छीलने में हमको परेशानी ना हो। हमको इस तरह के टुकड़े करने हैं, ये देखिए। ये देखिए, अब इसको हम इस तरह से इसका ऊपर का छिलका निकाल देते हैं। ये कांटे वाला भाग है ना, ये हम निकाल के इसको अलग करना है। जरा छीलने में आपको परेशानी तो होगी, मगर इसका खाना बनाने के बाद में ये बहुत टेस्टी बनता है। ये देखिए, इसको काटना जरा थोड़ा परेशानी वाली बात हो जाती है, मगर कटता है। थोड़ा कोशिश करोगे तो फटाफट कट जाएगा। अब इसको हमको उबालना है। पहले इसको धोया है और धो के इसको हमको कुकर में डालना है। अब इसमें थोड़ा सा हमको पानी डाल देने हैं कुकर में। पानी ज्यादा कम हो सकता है क्योंकि इसको तो हमको बाद में निकाल के फेंकना ही है। अब इसमें हम थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डालते हैं और एक सीटी आने तक हमको इसको पकाने का है। इसमें हम ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं कुकर का। मिक्स करने के लिए जरा सा हमको इसको चला दें ताकि सारे पीसों में नमक चला जाए, नहीं तो थोड़े में जाएगा, कुछ पीस रह जाएंगे। अब इसका हमको ढक्कन लगाना है। जब तक हमारा कटहल उबल रहा है, जब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाला तैयार करने के लिए हमको ये सारी चीजें लगती हैं। देखिए, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, ये सब मैंने पीस के रखा हुआ है। सबसे पहले हम डालते हैं कढ़ाई में तेल। इसमें तेल कुछ ज्यादा ही जाता है, ये देखिए मैंने तेल डाल दिया है 3 पली।
अब मैं इसमें थोड़े खड़े गरम मसाले डालने वाली हूँ। ये थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे एक चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब ये दो बड़ी प्याज मैंने कटी हुई रखी हुई है, इसको हम डाल देंगे इसे। अदरक का कसा हुआ एक बड़ा टुकड़ा, कुछ हरी मिर्ची कटी हुई बारीक और कुछ इस तरह से लंबी काटी हुई है, इसको हमको ब्राउन होने तक भूनना है। जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए जब तक इसको हम भूनना, इसको सिलौट पे छोड़ दो तो धीरे धीरे होता रहेगा। अगर आपको बहुत जल्दी है तो इसको फास्ट पे, मगर आपको चलाते रहना है ताकि साइड से जल नहीं जाए। देखिए ये हमारा प्याज लहसुन और अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट एकदम तैयार हो चुका है, ब्राउन हो चुका है, गोल्डन ब्राउन। देखिए अब इसमें हम मसाले डालते हैं, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक। इसमें नमक हमको कम डालना है क्योंकि हमने कटहल के अंदर भी उबालते समय डाला है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। जब तक हमारा मसाला भून रहा है, हमारा जो कटहल है वो उबल के तैयार हो चुका है। उसके लिए हमको क्या करना है, एक चलनी में उसको, इसमें मैंने ठंडे पानी से डाल के इसको एकदम ठंडा कर लिया है और इसको हमको इस तरह से पानी इसका छान लेना है। अभी हमने पानी इसको छान लिया है, कटहर हमारा देखो एकदम गल चुका है, ये देखो। इसको हमको दोनों हथेली के बीच में ऐसे रख के इसको निचोड़ना है। इसके हर पीस को हमको निचोड़ लेना है ऐसे करके। बेसन दिखा रहा हूं। हमने तेल गरम करने रख दिया कढ़ाई में। इधर हमने आधा कटोरी बेसन रखा है, इसको हम घोल बनाने का है। ये घोल में हमको आधा चम्मच हींग पाउडर डालना है और थोड़ा सा नमक। नमक हमको बहुत कम डालना है क्योंकि हर चीज में नमक पड़ा हुआ है। देखिए ये पेस्ट मैंने तैयार करा है बेसन का,
इस बेसन के पेस्ट को, ये गाढ़ा है, इसको हम थोड़ा पानी डाल के इसको पतला करेंगे। हमको बहुत ज्यादा गाढ़ा बेसन नहीं रखना है। एकदम इसके ऊपर जो कोटिंग होगी वो बहुत ज्यादा पतली करने की है, बहुत गाढ़ी नहीं। ये देखिए एकदम पतली है। अब हमने जो पीसेस तैयार किए थे उसमें भी हमको हल्का सा नमक, हल्की सी मिर्ची और थोड़ा सा हमको इसमें लहसुन का पेस्ट डालना है। हमको इसको मिक्स करना है इस तरह से। ये जो कटहल रखा हुआ है ये मेरा सब तैयार हो चुका है। अभी इसको हम बेसन में डाल के इसके भजिए सेकते हैं पकौड़ी। एक एक पीस निकाल के हमको बेसन में डाल के इसका भजिया सेकना है। देखिए ये हमारे कटहल के भजिए एकदम से तैयार हो गए हैं। बाकी के बचे हुए हम इसी तरह से और डालते हैं। ये हमारा मसाला भून के तैयार हो चुका है और हमारे भजिए भी तैयार हैं। ये देखिए इस मसाले में हमको भजिए डालने हैं। इसको हमको चारों तरफ से मिक्स कर देना है मसाले में। ये देखो इसको हमको 5 मिनट तक मसाले के अंदर आग के ऊपर रखना है, यानी कि गैस के ऊपर। ये देखिए पूरी तरह से ये मसाले में मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। ये आधा चम्मच हमने गरम मसाला डाला, कटहल है तो गरम मसाला तो पड़ेगा ही उसमें ज्यादा। ये देखिए पिसा हुआ घर का गरम मसाला। ये हमारी कटहल की सब्जी भजिए वाली तैयार होके पूरे पराठे के लिए तैयार हो चुकी है।
इसको आप खाइए रोटी से, पूरी से, पराठे से, लच्छे पराठे से। देखिए कितना स्वादिष्ट बन गया है ये सर।